हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे आप सभी, स्वागत है आपका अपने इस ब्लॉग में। तो मैं आज आप लोगों ने जैसा कि पहले देखा अभी देखा है कि मैं आज होली का दिन है और मैं जो है वो अभी नहा के जस्ट आई हूँ रंग खेल के। तो अभी मैं जस्ट नहा के आई हूँ थोड़ी देर पहले, उसके बाद मैंने खाना वाना खाया है और उसके बाद अभी आई हूँ। तो मैंने सोचा कि थोड़ा बातें बातें कर लूँ आप लोगों से। तो अभी आज जो है अभी टाइम हो रहा है 2 बज गए हैं। तो अभी मैं थोड़ा देर पहले 1 बजे 12-1 बजे नहा के आई थी और रंग इतना ज़्यादा लगा था ना कि छुटाने में थोड़ा समय लग गया और काफ़ी डार्क था। सुबह में ही मेरे देवर जो है वो मेरे मुझे होली मतलब रंग लगा दिए। सुबह के 6 बजे ही मैं झाड़ू लगा रही थी उस टाइम, तो और उस समय से जो रंग पकड़ लिया था कलर, तो देख सकते हैं यहाँ पे भी कुछ कलर अभी तक है, अभी नहीं गया है पूरा। चलिए कोई बात नहीं है, रंग खेला है, होली का दिन है तो लगाना तो बनता है। तो हमारे यहाँ आज पटना में मतलब सभी जगह, बाकी सभी जगह मेरे मायके में या अदर कहीं भी जितने भी रिलेशन में हैं, तो वहाँ पे 18 मार्च को होली हो सब लोग मनाए थे और यहाँ जो है वो 19 मार्च को होली मना रहे हैं, आज मना रहे हैं होली। और आप लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप लोग कैसे होली मनाए ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अभी खाने में बनना था क्योंकि 17 को होलिका दहन हुई थी, तो उसके बाद 18 को सभी जगह लोग मना लिए थे और ऐसा लोग यहाँ बोल रहे थे कि रात को 1 बजे से होलिका पूर्णिमा का ये था, पूर्णिमा थे, तो इसीलिए 18 को यहाँ होली नहीं लोग मनाए, 19 तारीख को मनाए। चलिए कोई बात नहीं, और हम लोग भी 19 तारीख को मनाए हैं। तो खाने में बना है, मैंने बनाया था सब्जी अपने लिए और पूरी पुआ दही बड़ा और ये सब तो आप देख ही चुके थे पिछले वाले वीडियो में, तो मैंने वही सब बनाया। और चिकन बना था और मटन। तो उसके बाद फिर हम लोग खाना पीना खाए, रंग खेले, और रंग खेलने के लिए तो मतलब मैंने बोला था कि नहीं नहीं खेलेंगे, लेकिन फिर बाद में जब मेरे देवर नहा रहे थे तो मैंने उनको चुपके से जाके पीछे से लगा दिया था रंग। तो इसी तरह से हम लोग होली मनाए और अच्छा लगा। आप लोग कैसे मनाए हैं बताइएगा ज़रूर। तो इस तरह से, और अभी फिर टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि शाम का टाइम होगा तो जब सभी लोग आने जाने लगेंगे, जब वैसे तो अब ज़्यादा लोग आते नहीं हैं लेकिन जो भी हैं तो आएंगे ही। तो अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, रेस्ट मतलब, और उसके बाद अबीर और ये सब रखना है तो मैं सजाऊंगी, फिर बच्चे लोगों को कपड़े पहनाना है तो वो लोग कपड़े पहनेंगे और तैयार होंगे, फिर सबको घर में बड़े लोगों को अबीर डालेंगे पैर पर। तो इसी तरह से हम लोग होली मनाएं, और आगे हो सके तो मैं वॉइस ओवर करूँगी और जो भी हो सका है तो मैं वो दिखाऊँगी। पिछले साल वीडियो मैं नहीं बनाती थी उस टाइम, तो पिछले साल भी इसी तरह से हम लोगों ने किया था। और इस बार मेरी सासू माँ का ऑपरेशन हुआ है तो वो भी
रंग अबीर नहीं खेली है। खैर कोई बात नहीं, हम लोग थोड़े बहुत अपने आपस में खेली और बच्चे लोग तो खूब सारी मस्ती किए थे मेरे छत पे। शायद वो क्लिप अगर होगा तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि छत पर आसपास के बच्चे लोग आए थे, मेरे बेटा के दोस्त लोग, तो वो लोग पूरा पिचकारी ये सब पूरा खूब रंग लगाए थे, क्योंकि मैं तो नीचे खाना बना रही थी और मैं नहीं शूट कर पाई। मेरे हस्बैंड थे, हो सके तो उनके मोबाइल में होगा अगर वीडियो, तो वो शूट किए होंगे तो मैं वो दिखाऊंगी आप लोगों को, तो वो सॉरी गाइस। तो अभी मेरे बगल में ही रेलवे लाइन है तो यहाँ पे ट्रेन आ जाती है बार बार, तो थोड़ा कट करना पड़ता है। तो मैं बोल रही थी कि छत पे बच्चे लोग खूब रंग खेले हैं और रंग जो है वो खूब पटाए थे सबके, सब पे आप आए एक दूसरे पे खूब खेले हैं वो लोग रंग। तो मैं जब छत पे गई तो देखी कि पूरा छत पूरा पानी रंग से भरा हुआ है, एकदम लग रहा था जैसे बारिश हुई है उस तरह से पानी जमा हुआ था। और मेरे यहाँ छत पे बना हुआ है बॉक्स जैसा, उसी में पानी भर के छठ भी होता है, उसी में मेरा बेटा बोल रहा था कि पानी भर दीजिए और उसमें रंग घोल के हम लोग उसी में डूब डूब के नहाएंगे। तो हम लोग बोले कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, तबीयत खराब हो जाएगा सब लोगों का, बच्चे लोगों का। तो उसमें पानी नहीं भरे, उसकी साफ सफाई करनी पड़ती। तो यहाँ नहीं हुआ तो वो लोग दूसरे जगह चले गए, बगल में ही है उनका घर, तो उनके यहाँ छोटा सा था, उसमें खूब मतलब सुबह के 6-7 बजे 6 बजे से जो वो लोग निकले छत पे रंग खेले और उसके बाद फिर वहाँ गए, तो 12-1 बजे जब उन लोगों को बुलाया गया तब वो लोग आए। काफ़ी भींगे हुए थे और बच्चे लोगों से ही तो होता है कोई भी पर्व और त्यौहार, तो इसी तरह से वो लोग खेले हैं और अच्छा लगा। और अगर हो सके तो वो मैं पूछूंगी अपने हस्बैंड से, अगर उनके पास वीडियो होगा तो वो मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो इसी तरह से मनाया, उसके बाद शाम को हम लोग जाएंगे कहीं एक दूसरे के यहाँ, और घर में भी बच्चे लोग आए थे आएंगे, तो यही सब। और अभी हम लोग थोड़ा देर अभी खाना पीना खाए हैं तो थोड़ा ऐसे ही रेस्ट करेंगे और उसके बाद कपड़े वपड़े पहन के तैयार हो जाएंगे, तो फिर मैं उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे सारी तैयारी हो गई थी और कलर्स को मैंने जो अबीर है गुलाल उसको मैंने एक प्लेट में रख दिया था। सारे कलर 5 कलर थे, मैंने 5ों को एक प्लेट में रख दिया है। और शाम का समय हो भी गया था तो सब लोग कपड़े वपड़े पहन रहे थे, तैयार हो रहे थे, तब तक मैंने यहाँ पे और ये जो है ये बाहर में भी गेस्ट रूम में वहाँ पे भी मैंने रख दिया था कि पापा जी के पास जो भी आएंगे तो उनको रंग अबीर मतलब रबीर अबीर लगाया जाएगा। तो ये देखिए मेरे देवर देवरानी खेल रहे हैं, अबीर एक दूसरे को लगा रही है, पापा माँ है तो वो भी लगा रहे थे। इसी तरह से सब लोग आपस में पहले घर में सब लोग लगाए, फिर बच्चे लोग भी आए बाद में और टाइम हुआ तो सब लोग कपड़े वपड़े पहन के तैयार हो गए थे और उन लोगों को भी अबीर हम लोग भी लगाए और सब लोग लगाए। तो इसी तरह से हम लोग मनाए होली। और कैसी लगी होली बताइएगा ज़रूर, और आप लोग भी कैसे खेले होली ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे ये मेरी देवरानी है जो मुझे अबीर लगा रही थी और पैर पे भी, और बच्चे लोग भी सबको डाले रही है। देखिए छोटा बाबू है ये, इनको सिखाया जा रहा है कि सबके पैर पे रखिए, तो ये इस तरह से और खूब ये अबीर को उड़ा करके खेल रहे थे और सब लोग हैं बच्चे लोग भी रख रहे थे, तो इस तरह से बताया जा रहा था। और उसके बाद सभी के जो जो लोग आए सबके पैर पर ये बाबू रख रहा था अबीर, तो इस तरह से किए हम लोग।
तो यहाँ पे ये चाट मैं बनाई थी और बच्चे लोगों को या सभी लोगों को अच्छा भी लगता है चाट। तो यहाँ पे कुछ प्लेट चाट और ये दही बड़े के मैं प्लेट लगा के रख दी थी और जो जो अपने आएंगे उनको दिया जाएगा खाने के लिए। बाकी कोई तो खाते नहीं थे, सबका पेट भरा हुआ था सब लोग। तो ये देखिए ये बगल के बच्चे लोग हैं, ये सब आए थे तो उन लोगों को मैंने दिया खाने के लिए, तो नहीं खाए वो लोग। तो ये है बगल के ही हैं सब बच्चे लोग, तो सब लोग। और ये छोटा बाबू तो खूब इंजॉय कर रहा था अपना, खूब अबीर सबको लगा रहा था। और उसका ये छोटा भाई है वो भी आया था उसके साथ, वो अबीर भी लगाया तो देखिएगा। और जो मैंने नमक पारे ये सब बनाए थे ये वो सब भी था, तो बच्चे लोग थोड़ा थोड़ा लिए। और खूब बच्चे लोग तो अपना अगल बगल में सभी जगह गए आए, हम लोग भी गए थे। एक हमारी फुआ सास रहती हैं वहीं पे हम लोग गए थे, तो वहाँ साथ वहाँ का थोड़ा सा मैं वीडियो ली थी। तो यहीं पे मैं बच्चे लोगों को दे रही थी और सब अबीर लगा रहे थे, तो वहाँ का थोड़ा सा मैं वीडियो ली थी तो वहाँ पे है। और ये देखिए ये छोटा बाबू कैसे अबीर लगा रहा है ये छोटा बाबू को अपने फ्रेंड्स लोग को। और नहीं और होली में बच्चे लोग आते हैं अच्छा लगता है, तो इसी तरह से सब एक दूसरे के यहाँ गए बच्चे लोग और रंग अबीर अबीर खेले गुलाल। तो इस तरह से हम लोग होली मनाए। और बड़े तो ज़्यादा नहीं आए थे, और फिर वहाँ पे मैं चली गई थी फुआ जी के यहाँ, फुआ सास के यहाँ। तो वहाँ फिर पापा के दोस्त लोग आए थे, तो वहाँ पे मैं उस समय मैं नहीं क्लिप ले पाई थी। और ये मेरा बेटा के दोस्त लोग हैं तो वो भी आए थे, तो सब लोग चाट खा रहे थे। तो इसी तरह से और बचपन में हम लोग को भी याद है कि हम लोग भी एक दूसरे के यहाँ जाते थे घर में और लगाते थे। तो और मेरा बेटा जो है वो खूब अबीर सबको लगा देता था मुंह पे। और जब तक ये वीडियो जाएगी होली वाली तब तक होली बीत चुका होगा, तो कोई बात नहीं बाद में ही आप लोग देखिए। तो इसी तरह से अच्छा लगा और खाए पिए और हम लोग और गए एक जगह और मैं गई थी मेरी बेटी की फ्रेंड्स है उसके यहाँ बगल में ही, तो उनके यहाँ गए थे। ये देखिए हम गए थे बोले फुआ सास के यहाँ, तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा वीडियो ली थी। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और आप लोग का होली भी कैसा मना ज़रूर बताइएगा। और ये कुछ फ़ोटोज़ है जो मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, और कैसी लगी वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और हैप्पी होली सबको मेरी तरफ से।